हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस आर। पूछा गया कि ग्लाइकोलिसिस से इनमें से कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें, ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है और इसका यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स से अगर हम देखें, जो यहाँ पर एंजाइम मीडिएटेड स्टेप होते हैं, अल्टीमेटली जो है क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर, पाइरुविक एसिड जो कि क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये ब्रेक होके टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड जो है ये फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इनमें फॉर्म क्या क्या होता है, एक तो अगर हम देखें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोलेशन से ATP प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो स्टेप होते हैं जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोलेशन होता है, तो वहाँ पे अगर हम देखें ATP प्रोड्यूस होता है। एक तो ATP प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा एक स्टेप होता है जहाँ पे क्या होता है NADH प्लस H प्लस जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब NADH का रिडक्शन होके ये फॉर्म होता है। वो कौन से स्टेप में होता है, जो ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट जो है उससे जब क्या बनता है, उससे जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है उस टाइम पे अगर हम देखें। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये दोनों तो प्रोड्यूस होते हैं एंड अल्टीमेटली ये जो पाइरुविक एसिड भी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनमें जो है अप्रोप्रिएट, अगर हम देखें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, जिसमें पाइरुविक एसिड ATP एंड NADH प्लस H प्लस हो। यहाँ पाइरुवेट दिया हुआ है, CO2 दिया है, ATP दिया है, तो CO2 कहीं रिलीज नहीं होता, ये तो गलत दिया हुआ है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन कहीं पे नहीं होता, क्योंकि 6 कार्बन जो है वही अगर हम देखें ब्रेक होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना, तो एक कार्बन जो है CO2 के फॉर्म में कहीं रिलीज नहीं हुआ, गलत है। पाइरुवेट, ATP, NADH प्लस H प्लस ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एसिटाइल कोए ATP, NADH प्लस H प्लस, तो ग्लाइकोलिसिस में एसिटाइल कोए नहीं फॉर्म रहा, ग्लाइकोलिसिस में अल्टीमेटली ये फॉर्म होता है, इससे फर्दर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये एसिटाइल कोए फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी एसिटाइल कोए दिया, ये भी गलत होगा। तो ये दोनों तो गलत ही है और ये वाला भी गलत है। करेक्ट आंसर टू द सेकंड वन, वो भी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।